हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपना डिस्कस करने का टॉपिक होगा मध्य प्रदेश स्टेट यानी कि एमपी स्टेट के राउंड टू के लिए कितनी मेडिकल सीट्स अभी इंक्रीज हुई हैं या फिर इंक्रीज होने के अलावा कितनी सीटें वैकेंट होके आई है राउंड टू के लिए और उस वैकेंट सीट से क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। 2023 में कितनी सीटें वैकेंट थी, 2024 में कितनी है, उनका डिफरेंस भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से जरूर देखना वीडियो को, एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। और अगर तो आप प्राइवेट या फिर ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पर आपका स्कोर बहुत कम है और आपका बजट ठीक है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको फिल कर देना, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से कर देंगे, कॉलेज दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड टू के लिए उसकी बात करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाकर ये आपके लिए वीडियो बनाई है लास्ट 2023 ईयर के यानी कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन करके। तो चलो अभी स्टार्ट करेंगे वीडियो, बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। मैं अजय शर्मा, सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू अवेलेबल करवाता हूँ एएस नीट की तरफ से। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं 2023 के डाटा से, 2024 तक आपको मैं लेके जाऊंगा जहां तक कट ऑफ ये रह सकती है। बात करेंगे 2023 की वैकेंट सीट से आफ्टर फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड के बाद में 2023 के अंदर जो सीटें वैकेंट होके आई थी राउंड टू के लिए उनका नंबर था 189। यहां पर 186 मैंने नोट कर दिया है, बट ये नंबर ध्यान रखना 189 सीटें हैं, तो ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर गलती से 6 नोट हो गया है, बट 9 है। 189 सीट वैकेंट होके आई थी राउंड फर्स्ट से राउंड टू के लिए। लेकिन 2024 की बात करें तो कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीटें जो फर्स्ट राउंड में आई थी उससे डबल होने की बात हो रही है। लेकिन मैं तब तक आपके लिए कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता जब तक कि वो चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती। मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अजम्पशंस पे बात करना मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। क्यों, जब तक अभी ऑफिशियल हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सीटें इंक्रीज होते ही आपको कट ऑफ में फर्क देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं कि उन कॉलेजेस में सीटें इंक्रीज हुई हैं या फिर नहीं, ये बात आप जरूर नोट करके रखना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ग्रीन कलर से मैंने नोट करके रखी हुई है कि इस साल राउंड टू के लिए 107 सीटें ज्यादा है लास्ट 2023 ईयर के कंपेरिजन में, यानी कि 23 से 24 में 107 सीट्स ज़्यादा है, जो कि इससे कंपैरिजन आप करके चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 189 है और यहाँ पर 296 सीटें 2024 में अवेलेबल है। तो यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि 107 सीटें ऐसी हैं जो कि वैकेंट बची हुई हैं। और जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ कि हर 100 सीटें इंक्रीज होने से लगभग 400 से 500 रैंक में फ़ायदा होता है, तो इस साल भी वो फ़ायदा एमपी स्टेट में कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट की जब बात करते हैं तब ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, अगर आपकी चैनल फॉलो करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। अब कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी सीटें थी और इस साल कितनी सीटें हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कंप्लीट सीटें नहीं है, लेकिन जिस जिस कैटेगरी में जितनी सीटें आई थी सेकेंड राउंड में उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो 2023 में यूआर कैटेगरी में 27 सीट्स थी, लेकिन इस साल 2024 के अंदर 72 सीट्स है राउंड टू के लिए, लेकिन जैसे कि 45 सीटें ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये बात बड़ी नोटिस करने वाली है, तो ये आप जरूर चेक करना। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, ग्रीन से लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ग्रीन है यानी कि कुछ पॉजिटिव साइन है, यानी कि लास्ट ईयर से इस साल काफी ज्यादा सीटें राउंड टू के अंदर आई हैं। रीजन है नए मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज होना। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 4 सीटें आई थी 2023 में, लेकिन 2024 में 27 सीटें हैं, 23 सीटें ज़्यादा हैं, राउंड सेकंड की ये बात हो रही है, कंप्लीट आप कैलकुलेट करके चेक मत करना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6 सीटें आई थी 2023 में, लेकिन 2024 में 22 सीट्स हैं और 16 सीटें लास्ट ईयर से ज़्यादा है। इस एससी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर ओनली 1 सीट अवेलेबल थी राउंड टू के लिए, तो बात करेंगे 2024 के लिए 19 सीटें वैकेंट है, यानी कि 18 सीटें लास्ट ईयर से ज़्यादा है, तो इतने स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट एडमिशन ज़्यादा मिलेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एसटी की बात करें तो 1 सीट थी और 11 सीटें इस साल है, यानी कि 10 सीटें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये मेरा बताने का लॉजिक था कि राउंड टू के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट होके आई हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, रीज़न बताया था कि जो नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं 3 उनकी वजह से।
अब बात करते हैं इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है राउंड टू के लिए, फिर बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैंने पहले भी आपको जो कट ऑफ बताई थी ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रही थी, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट वही रही थी, तो मैं आपको अभी और बता देता हूं। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 620 प्लस माइनस 2 मार्क्स, 618 भी हो सकती है और एक दो नंबर 20 या 21 हो सकती है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका स्कोर इतना है तो फिर आपको खुद को सेफ समझना होगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 618 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की बात करें 614 प्लस माइनस 2 मार्क्स। इतने फ्लक्चुएशन का रीजन यही है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं ऑल इंडिया कोटे में भी जाएंगे, इसके अलावा सीटें भी इंक्रीज हुई हैं, इसलिए जितना डिफरेंस आना है वो राउंड फर्स्ट से राउंड टू के बीच में आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने नोट कर दिया है। कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसमें ना तो कुछ आप कर सकते हो ना कुछ मैं कर सकता हूँ, पर जो डाटा सजेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पर यही डाटा सामने आ रहा है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी की बात करें तो 516 प्लस माइनस 2 मार्क्स, एसटी की बात करें तो 392 प्लस माइनस 2 मार्क्स। ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ, क्योंकि एमपी स्टेट के काफ़ी सारे कॉलेजेस अच्छे हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता कि सीटें छोड़ना। ऑल इंडिया कोटे से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो चाहते हैं कि उनको एमपी स्टेट के कॉलेजेस मिले, यही रीजन है कि मैक्सिमम सीट राउंड फर्स्ट और टू के अंदर फिल हो जाती हैं, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा स्टेट के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो ये मैंने एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे। बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की वैकेंट सीट्स प्लस उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी अगर बात की जाए प्राइवेट कॉलेजेस की तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, यानी कि 2023 में जो वैकेंट सीट थी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए राउंड टू के लिए, राउंड या तो राउंड फर्स्ट के बाद में कह लो या फिर राउंड टू के लिए कह लो, तो वो 636 थी, यानी कि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इस साल एक मेडिकल कॉलेज इंक्रीज भी हुआ है। उसके बावजूद 2024 में जो सीटें हैं राउंड टू के लिए वो 594 है, यानी कि रेड कलर से मैंने नोट किया हुआ है, डिक्रीज का साइन लगाया हुआ है, यानी कि 42 सीटें कम है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल। तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि सीटें इंक्रीज होने के बाद में भी इतनी सीटें कम आई हैं, यानी कि कम आई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में, अब कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इतनी फीस अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आप सब लोग समझते हो इस बात से, एग्री भी करोगे कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनका स्कोर आपसे ज़्यादा हो, रैंक आपसे अच्छी हो, लेकिन क्या वो उस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, अगर तो वो किसी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है, नोटिस करने वाली है, तो ये बात भी बहुत मैटर करती है आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते भी नहीं होंगे कि उनको कॉलेज मिले, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एमबीबीएस करना तो सब चाहते हैं, लेकिन अफोर्ड करना भी जरूरी है, ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा जो कि आप जानते हो कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करोगे सेकंड राउंड में, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी होगी जो कि 1 लाख रुपए होगे, तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अफोर्ड कर पाएंगे। बार बार मेरा पॉइंट इसी के ऊपर आ रहा है, तो आप इस चीज़ को देखकर मत ये सोचना कि सर सीटें कम बची है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो मैंने रीजन इसका बता दिया है बड़े क्लियर करके। तो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, और थर्ड राउंड में ध्यान रखना कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सेकंड राउंड में कॉलेज आपको अलॉट करवा लेनी है, चाहे तो आप किसी काउंसलर को हायर करो या फिर किसी तरीके से खुद अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से करके। अब बातें हैं मुद्दे पे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आते हैं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी पेड काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म गिवन है उसको फिल कर लेना या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर आपको जगह जगह पे दिखे होंगे। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 540 प्लस माइनस 2 मार्क्स, ये मैं सेकंड राउंड के लिए बता रहा हूं। रीजन मेरा बताने का यही है कि यहां पर जो सीटें वैकेंट है उसके बेसिस के ऊपर इससे कम भी हो सकती है, जो कि जब वीडियो स्टार्ट मैंने किए थे मध्य प्रदेश के लिए बनाना, तो वहां पर मैंने बताया था कि 530 प्लस स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है, उसमें मेधावी के स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन कुछ लोग ये थे कि मानने एग्री नहीं कर रहे थे कि सर इतनी कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी सीटें होंगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कट ऑफ स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा है, फोकस आप इस बात पर करिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। इसी यही रीज़न होता है कि प्राइवेट की कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है राउंड वाइज राउंड। बाकी सेकंड राउंड की कट ऑफ बहुत लो, ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो 540 प्लस माइनस 2 मार्क्स मेरा एस्टिमेटेड आइडिया है। यहाँ तक अगर आपकी कट ऑफ है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 538 प्लस माइनस 2 मार्क्स, एससी के लिए 416 प्लस माइनस 2 मार्क्स, एसटी के लिए 290 प्लस माइनस 2 मार्क्स है।
तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है कुछ मार्क्स ऊपर नीचे रहें, लेकिन अगर यहाँ तक आपके हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। लॉजिक मैंने बताए हैं सारे वीडियो में, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे या फिर आपके क्या डाउट्स हैं, कितना आपका स्कोर है, आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर नहीं, या फिर किसी और स्टेट में आपके स्कोर के ऊपर एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं, ये मुझे आप कॉन्टैक्ट कर देना, या फिर फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिल करोगे तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपके एडमिशन बेटर करवाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अजय शर्मा यस नेट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख लिया है सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को कर देना, ताकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपके साथ में वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।